देखिए, वैसे तो ये सारे जो वाइब्रेशन टेस्ट सब करते हैं ना, ये बहुत बेवकूफ़ी वाला होता है, क्योंकि खड़ी गाड़ी पे क्या वाइब्रेशन यार। जब गाड़ी वाइब्रेशन तब मैटर करते हैं जब आप बाइक चलाते हैं, ठीक है। पर खैर ये है कि थोड़ा सा आइडिया आपको लग जाता है कि भाई अगर खड़ी गाड़ी पे इतने हैं, ठीक है, तो आपको एक आइडिया लग जाता है कि यार वाइब्रेशन गाड़ी के अंदर है या नहीं है। और ख़ास तौर से रॉयल एनफील्ड जो है वो अब ये कब भी सप्लाई करता है कस्टमर्स को भी, मीडिया को भी, कि भैया ये कब जो है ये वाइब्रेशन टेस्ट करने के काम आता है, ठीक है। मजाक कर रहा हूँ, ऑफ कोर्स ऐसा कुछ नहीं है। अब ये इसमें कितना पानी भरा हुआ है देखिए ये, ठीक है। अब इसको महसूस हो रहा है नहीं हो रहा है, देख पा रहे हैं? हाँ, दिख तो रहा है। देखिए वाइब्रेशंस हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ज़ीरो हो गए हैं, पर रॉयल एनफील्ड की अगर आप बात करेंगे तो पहले के मुकाबले में ऑलमोस्ट ना के बराबर है। पहले तो ये नीचे गिर चुका होता स्टार्ट करते में ही। इनफैक्ट पर्सपेक्टिव के लिए ये ट्रायम्फ स्ट्रीट ट्रिपल आर पे भी रखते हैं। अब उसके लिए मुझे क्लच दबाना होगा, तो ज़रा गोप्रो को ऐसे रख देता हूँ 2 मिनट के लिए। देख लो यार, कोई चीटिंग नहीं कर रहा हूँ, ये ऐसे रखना होगा कि ये टिके तो सही। भाई गिरियो मत, गिरने से पहले बता दियो। जीरो वाइब्रेशन मोटरसाइकिल है, पर इसमें भी आपको हल्का हल्का पानी गिरता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो भाई साहब, मोटरसाइकिल जो हैं इनमें ये इंजन होते हैं, ठीक है। कितने हज़ार आरपीएम के हिसाब से पिस्टन ऊपर नीचे जा रहा है, क्रैंक घूम रही है, तो इन्जॉय कर लो इसको। इससे पहले कि, जैसे मैंने हायाबूसा के रिव्यू में बोला था, सारी वॉशिंग मशीन ऑन व्हील्स जब चलाओगे, ठीक है, तब तरसोगे इस फील के लिए। बट ऑल सेड एंड डन, अब बुलेट को कोई वाइब्रेटर नहीं बोलेगा। तो शुक्रिया देखने के लिए, और मिलते हैं अगले वीडियो पे।